जिला कांग्रेस कमेटी ने यूरिया खाद की किल्लत के संबंध में किया धरना प्रदर्शन। मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद ने यूरिया खाद किल्लत के संबंध में डीएम को सौंपा ज्ञापन, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने कहा कि किसान एक साल से रो रहा है, मगर किसानों को यूरिया प्राप्त नहीं हो रहा, यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। अगर किसानों की समस्या दूर नहीं की गई तो आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज किसान देश में रो रहा है, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है। पिछले एक साल से कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी बाढ़ से किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही। अब ऊपर से एक महीने से ये देखा जा रहा है कि जितनी यूरिया है, यूरिया को ब्लैक मार्केट करने वाले उसको ब्लैक करके किसानों तक दे रहे हैं, फसलों में यूरिया नहीं पड़ रही। आज डीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से यही बात करने आए हैं कि अगर यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग बंद नहीं हुई तो हम सरकारी समितियों के सामने बैठकर अपना रोष प्रकट करेंगे। जब तक किसान खुश नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस पर हमारी कार्रवाई चल रही है, तो हमने उनको धन्यवाद देके हमने कहा। टीएमयू के बारे में आप भी अगर मेरे माध्यम से आप भैया हमारी, क्योंकि हम बोलते हैं टीएमयू के बारे में तो आप दिखाते नहीं हैं, आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी। अगर पूछना चाह रहे हैं, अगर कोविड की महिला टीएमयू में एडमिट थी, वो छज्जे तक कैसे पहुंची और छज्जे से उसका पैर कैसे फिसला, ये एक जांच का विषय। अगर यही वारदात किसी सरकारी अस्पताल में हुई होती, 2-4-5 डॉक्टर निलंबित हो गए होते, वहाँ का जो भी प्रशासन है उसको वो सस्पेंड करते, क्या ये कार्रवाई टीएमयू की के साथ क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मेरी तो मांग है, जब से COVID-19 हुआ है तब से जितनी भी मौतें कोविड की वहाँ हुई हैं उसकी सरकारी जांच होनी चाहिए, किसी अच्छे मजिस्ट्रेट से उसकी जांच होनी चाहिए। अब देखिए 40 मरे हैं, 50 मरे हैं, हमें नहीं पता। ये तो वो आपके मैं देखो जितनी भी वहाँ पर कोविड के द्वारा डेथ हुई है सबकी जाँच होनी। पहले तो क्या हुआ, मैंने क्या कहा, आप मेरी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचाते, आप मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएं, मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा का पूरा चिट्ठा दे दूँगा, कितनी छात्राओं की हत्या हुई, आत्महत्या हुई, ना हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन रोज आपके माध्यम से टीवी भी देखते हैं, पढ़ते भी हूँ। सरकार को उसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो जैसे मेरे संज्ञान में आया है कि 86 करोड़ रुपया उनको सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है अभी तक, उसकी भी जाँच होनी चाहिए, वो 86 करोड़ रुपये कहाँ लगा, ये मतलब जांच का विषय है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हुआ, सरकारी पैसा उसमें हम लोगों का भी मतलब योगदान है, वो पैसा सरकार के साथ, वो पैसा हमारा ही है। ये कोविड जो है गरीबों को खा रहा है, जो बड़े लोग हैं वो अपना दाएं बाएं से वो करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, गरीबों को कोविड से कोई इलाज नहीं मिला।